यूपी की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में उलझी समाजवादी पार्टी, किस बात का है इंतजार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। समाजवादी पार्टी 3 सीटों के प्रत्याशियों के चयन में उलझ गई है। ये सीटें कैसरगंज, फतेहपुर व रॉबर्ट्सगंज है। इनमें अभी तक सपा अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। कैसरगंज व फतेहपुर लोकसभा सीट में तो 5 चरण में चुनाव होना है, जिसके नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई है। विपक्षी गठबंधन INDIA की प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी 80 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस व 1 सीट पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सपा इनमें से 59 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब उसे फतेहपुर, कैसरगंज व रॉबर्ट्सगंज में प्रत्याशी घोषित करने हैं। कैसरगंज में भाजपा के प्रत्याशी का इंतजार, सपा कैसरगंज में भाजपा के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है। यहां पर 3 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भाजपा में टिकट अभी फंसा हुआ है। हालांकि सपा की ओर से पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे व सपा नेता विनोद कुमार शुक्ल नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। ये सीट 1996 से 2009 तक लगातार सपा के पास रही है। इस सीट से लगातार 4 चुनाव बेनी प्रसाद यादव जीत चुके हैं। 2009 के चुनाव में ब्रजभूषण सपा के टिकट से सांसद बने थे। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने यहां से कमल खिलाया था। चर्चा ये भी है कि अगर भाजपा से उनका टिकट करता है तो उन्हें सपा अपना टिकट दे सकती है। फतेहपुर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक पटेल के साथ ही अब तीसरा नाम पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह का भी जुड़ गया है। अजय वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव जन मोर्चा पार्टी से लड़ चुके हैं। उन्हें महज 7422 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। रॉबर्ट्सगंज सीट में भी सपा को एनडीए प्रत्याशी का इंतजार। वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट में भी सपा को एनडीए प्रत्याशी का इंतजार है। ये सीट एनडीए में अपना दल एस कोटे में है। यहाँ से अपने दल के पकौड़ीलाल कुल सांसद हैं। 2009 में सपा के टिकट से भी सांसद बन चुके हैं। यह सुरक्षित सीट है। यहाँ से कोल बिरादरी के नेता कोई सपा लड़ाएगी। यहाँ पर 7वें चरण में चुनाव होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 7 मई से 14 मई तक चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।